कांग्रेस की गारंटी की किताब पढ़ रहे हैं सीएम शिवराज। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी की नजर। कांग्रेस ने सिलेंडर 500 में देने की दी गारंटी तो बीजेपी 450 में देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय कांग्रेस की गारंटी पढ़ रहे हैं। कांग्रेस की एक एक गारंटी पर उनकी नजर है। वो चुनाव से पहले कांग्रेस की सभी गारंटियों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जब चुनाव का ऐलान हो तो कांग्रेस की वादों की पोटली पूरी तरह से खाली हो जाएगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो सभी को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। जो इस तरह से राजस्थान सरकार 500 रुपए का सिलेंडर देती है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी योजना को चलाया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस अपनी इस गारंटी का जिक्र शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया है। वैसे कांग्रेस की एक और गारंटी थी महिला सम्मान योजना, जिसमें प्रदेश की हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देने की गारंटी दी गई थी। लेकिन इस योजना को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले ही पूरा कर दिया है। 3 महीने से हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए जा रहे हैं और अगले महीने ये राशि 1250 रुपए हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इसे 1000 रुपए तक नहीं रोका जाएगा, बल्कि लगातार बढ़ाया जाएगा और 3000 रुपए तक पहुंचाया जाएगा। यानी कांग्रेस ने जो गारंटी दी थी उसे शिवराज ने पहले ही पूरा कर दिया है और कांग्रेस इसी बात को लेकर चिंता में लग रही है। जैसे ही सीएम शिवराज ने महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने और गरीब महिलाओं को आवास देने की योजना की घोषणा की, तुरंत ही प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन पर तंज कसते हुए सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कमलनाथ ने कहा, शिवराज जी की एक ही कोशिश है कि आचार संहिता लगने तक घोषणाओं की भूल भुलैया में मध्य प्रदेश की जनता को भटकाया जाए और उसके बाद यह कहना शुरू कर दें कि अगली सरकार में देखेंगे। न सरकार बनेगी, न घोषणा पूरी होगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसलिए सब सावन के दोनों महीने निकल गए, तब शिवराज जी ने सावन के महीने में 450 में सिलेंडर देने की घोषणा की। अब जब भाद्रपद का महीना लग गया है, तब कह रहे हैं कि गरीब बहनों को हमेशा 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि सिलेंडर कब से मिलेगा। अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करा रहे हैं। गैस सिलेंडर का कनेक्शन तो पहले से ही रजिस्टर्ड है, उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना आंख में धूल झोंकने के सिवा कुछ नहीं है। शिवराज जी, रजिस्ट्रेशन कराने की आपकी चालबाजी बहुत पुरानी हो गई है। प्रदेश में करीब 44 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उन्हें आपने आज तक रोजगार नहीं दिया। शिवराज जी, अब अदाकारी और कलाकारी की राजनीति छोड़िए और वफादारी की राजनीति करते हुए मध्य प्रदेश की 8.50 करोड़ की जनता से अपनी 22,500 झूठी घोषणाओं के लिए माफी मांगिए। मध्य प्रदेश की बहनों, इन चुनावी मामा से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार आएगी और सीधे 500 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। कांग्रेस सौदेबाजी की नहीं, सेवा की राजनीति करती है। वैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ सिलेंडर पर ही सब्सिडी देने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि हर वर्ग के लिए कोई न कोई स्कीम को लेकर वो आए हैं। शिवराज ने कहा, 12वीं में अब 60% लाने वाले स्टूडेंट को भी लैपटॉप दिया जाएगा। अगले साल से हर स्कूल में 12वीं में लैपटॉप 3 पोजीशंस पर आने वाले स्टूडेंट्स को स्कूटी दी जाएगी। साथ ही गरीब बहनों को अब आवास भी दिए जाएंगे। सीएम ने कहा, जिनके पास पक्के मकान नहीं है उनके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना बनाई जाएगी। इसका निर्णय हो चुका है, 15 सितंबर इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है हमारी लाडली बहनों की आमदनी हर महीना 10,000 हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।